आरजे किड्स। चमत्कारी बैल। मददपुर पिंड विच सुभाष नाम दा एक किसान रहंदा सी। उस दे परिवार विच उस दी पत्नी सरला अते दो तियां कुमकुम जिस दी उमर 12 साल सी अते पूजा जिस दी उमर 7 साल सी खेतीबाड़ी नाल ओदा बड़ा वधिया गुजारा हो जांदा सी। पूरा टब्बर खेतीबाड़ी विच हाथ वटोंदा सी। सुभाष दे कोल दो जुड़वां बैल सन, एक शंकर अते दूसरा शंभू। दोवें ही बैल बड़े सोहणे, चलाक अते समझदार सन। सुभाष अपने बैलां दे नाल बड़ा ही प्यार करदा सी अते हमेशा उन्हां नूं शिंगार के रखदा सी। आसपास दे सारे पिंडां विच इन्हां दोवां बैलां दी बड़ी ही चर्चा सी। गवांडी पिंड दे लोकां ने मूंह मंगी कीमत दे के बड़ी वार उन्हां बैलां नूं खरीदण दी कोशिश कीती, पर सुभाष उन्हां बैलां नूं अपने कोलों दूर नहीं सी करदा। ना भाजी, मैं नहीं बेचने अपने बैलां नूं, इन्हां दोवां च मेरी टब्बर दी जान वसदी है। ठीक है भरावा, कोई गल नहीं। उन्हां दोवां बैलां दी इक होर खास गल सी, इह दोवें नचदे बड़ा वधिया सी। पिंड दे हर व्याह विच इह दोवें ही नचदे सी। सुन सुभाष वीरे, अज मेरे भैन दा व्याह है, तुसी सारिया ने जरूर आउणा। हां, असी सारे जरूर आवांगे। एक गल और, अपने शंकर ते शंभू नू जरूर लेके आयो, इन्हां दोवां लई स्पेशल सद्दा दे रहे हां। जदों तक ओह व्याह च नहीं दोवें नचणगे, बिलकुल मजा नहीं आउणा। हां जरूर। रात नू व्याह दा जशन चलदा पिया है। शंकर अते शंभू अपने नाच नाल सारिया दा दिल जीत रहे हन। जगत राम हमेशा इसे ताक विच रहंदा है कि ओ सुभाष नू नुकसान किस तरह पहुंचावे। आए वड्डे नचन वाले, इन्हां नू ता मैं ऐसा नचाऊंगा भई एक दिन अपनी नानी चेते करनगे। एक रात पिंड विच बड़ी ही तूफानी बरसात हुंदी पई सी। सारा पिंड आपो अपने घरां विच सो रहा सी, पर जगत राम अते उसदा बेटा वरिंदर जागदे पए सन। उन्हां दे दिमाग विच कोई व्योंत चलदी पई सी। पुत्तर, अज वधिया मौका है सुभाष कोलों बदला लैण दा। अज शंकर ते शंभू नूं मजा चकावांगे। हां पिता जी, बड़ा ओ चलो चल के नचदे सी दोवें, पर असी करना की है, बाहर मीं वरदा पिया है। मीं दा ही तां फायदा चकना है आपां पुत्तर। सुभाष दे बैलां नूं खोल के पिंड दे दूर जंगल विच बनावांगे, ते रातो रात ही कोई जंगली जानवर उन्हां दोवां नूं अपना शिकार बना ही लऊगा। वाह पिता जी, तरकीब ते बड़ी वधिया है थोड़ी, तुसी सच्ची बड़े स्याणे हो। पुत्तर, ए सारा मेरी शैतानी कोपड़ी दा काम है, समझया? मन गया पिता जी। चल हुण जल्दी उन्हां बैलां नूं जंगल विच लै के चलदे आ। जगत राम अते वरिंदर दोवें अपना मूंह कपड़े दे नाल बन के सुभाष दे घर अंदर आ के दोवें बैलां नूं खोल लैंदे हन। दोवें बैल चीकदे हन, पर बरसात दी तेज गूंज दे विच दोवां बैलां दी आवाज दबी जांदी है। दोवें प्यो पुत्तर बैलां नूं खिचदे होए पिंड तों बाहर जंगल विच लै जांदे हन। चारे पासे हनेरा ही हनेरा है। ओह उन्हां दोवां नूं इक दरख्त दे हेठां बन्न दिंदे हन। इन्हां दोवां नूं इत्थे ही बन्न के छड्ड दिंदे आ। हां पिता जी, हुण इह दोवे बैल इस जंगल विच भंगड़ा पाउणगे। चल पुत्तर, मीं रुकण तों पहलां पिंड पहुंच चलदे आ, किसे नूं कुछ पता नहीं चलूगा। हां पिता जी, मीं विच दोवें दा काम तमाम हो जाऊगा। अगले दिन सवेरे मीं रुक जांदा है। सुभाष दी पत्नी सरला बैलां नूं चारा पाउण दे लई जांदी है, पर दोवें बैलां नूं उत्थे ना वेख के ओह चीक पैंदी है। सुनो जी, बुरी खबर है, कोई रात नूं साडे शंकर अते शंभू नूं चोरी करके लै गया है। इह किवें हो सकदा है? मैं ते शंकर ते शंभू नूं घर दे बाहर बणिया होया सी, कज़ब हो गया, उन्हां दी कोई आवाज वी नहीं आई। पिता जी, आवाज भला किवें सुनाई दिंदी, रात नूं इन्ना तेज मीह पैंदा पिया सी ना। चोरां ने मीह दा फायदा चुक के साडे बैलां नूं चुरा लिया है जी, हुण असीं की करांगे, तुसीं दसो। मैनूं ते अपने पिंड दे ही किसे बंदे दा कम लगदा है। पता नहीं साडे दोवें बैल किस हाल विच होणगे, हुण की करिए जी। मां, पिता जी, तुसीं फिकर ना करो, साडे शंकर ते शंभू जिथे भी होणगे बिलकुल ठीक होणगे, ओह दोवें बड़े ही समझदार ने। मैं प्रधान जी नूं चोरी वाली गल दस के आउंदा, तुसीं चिंता ना करियो।
हुण ओही कोई सलाह देणगे। सुभाष प्रधान जी दे घर बड़ी तेजी नाल जा रहा हुंदा है। ओदों ही उसनू रस्ते विच खजेड़ू चाचा मिलदे हन। की गल है सुभाष पुत्र, सवेरे सवेरे इन्नी काली काली किथे जा रहे हैं तू? सब ठीक ता है? चाचा जी, रात नू कोई मेरे दोवें बैलां नू चोरी करके लै गया। मैं बस इसी चोरी दी खबर देन जाणिया प्रधान जी कोले। अरे राम राम, किन्ना खराब जमाना आ गया है। लोग जानवर नू भी चोरी करन लग पए ने। जरूर किसे जान पहचान वाले दा ही काम है। राम तेरा भला करन। सुभाष प्रधान जी दे कोल जाके सारी गल उन्हां नू दस दिंदा है। इधर जंगल विच शंकर अते शंभू ने अपनी समझदारी ते होशियारी नाल एक दूजे नू आजाद कर दिता है। शंभू ने पहले शंकर दी रस्सी खोली, फिर शंकर ने शंभू दी रस्सी खोली। ओदों ही दोनों दे कोल कुछ जंगली कुत्ते आ जांदे हन। दोवें बैल मिल के उन्हां दा मुकाबला करदे हन अते उन्हां नू भजा देंदे हन। उधर पिंड विच प्रधान जी सुभाष दी गल सुन के परेशान हो जांदे हन अते उन्हूं हौसला दिंदे हन। तेरे शंकर शंभू जल्दी ही वापस आ जाणगे, असी उन्हां दोवां नू गवाचन नहीं दवांगे। प्रधान जी रघु नू कहंदे हन। रघु, हुणे पूरे पिंड वालियां नू दस दे के शंकर ते शंभू दी चोरी हो गई है, ते सारे पिंड वाले पंचायत लेके पिपल दे दरख्त हेठा इकट्ठे हो जान। जी प्रधान जी, मैं हुणे ही सारे पिंड वालियां नू एक खबर दे देना। इधर शंकर अते शंभू आपस विच गल करते पए हन। शंभू, सानू जल्दी घर वापस जाना चाहिदा है। मालिक, बच्चे ते पिंड वाले साडा फिकर कर रहे होणगे। हां भरावा, छेते पिंड पहुंचना पौगा। शंकर अते शंभू दोवें तेजी नाल पिंड वल भजदे हन। इधर पिंड विच पिपल दे दरखत हेठा पूरा पिंड इकट्ठा होया है। शंकर अते शंभू दे जान दा दुख सारिआं नूं है। उत्थे जगत राम अते उसदा बेटा वरिंदर भी है। ओह दोवें बड़े ही खुश हन अते आपस विच गल कर रहे हन। पुत्तर, हुण तक तां उन्हां दोवां दा बैण वज गिआ होगा। हां पिता जी, ना रहूंगा बांस ते ना वजेगी बंसरी। साडे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, साडा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकदा। ओदों ही प्रधान जी सारे पिंड वालियां नूं कहंदे हन। बड़े दुख वाली गल है कि कल रात नूं शंभू दे बैलां दी जोड़ी शंकर ते शंभू नूं कोई चोरी करके लै गया। मेरी तुहानूं सारिआं नूं हथ जोड़ के बेनती है कि जे तुहाडे विच्चों किसे ने भी इह गलती कीती है ते किरपा करके बिना किसे डर दे सामने आओ, असीं उहदी गलती नूं माफ कर देवांगे। जगत राम अते वरिंदर प्रधान जी दी इह गल सुण के हसदे हन। मैं ये वादा करदा जी कि चोर नू किसी भी तरह की सजा नहीं दिती जाऊगी। ते जे असी उस चोर नू फड़ लिया ता उस नू सख्त तो सख्त सजा मिलेगी। मैं तीन तक गिनूंगा। इधर शंकर अते शंभू तेजी नाल दौड़दे हुए पिंड वाल आंदे हन। उन्हां दे गले विच बज्जी हुई घंटी वजदी पई है। उधर पंचायत विच जगत राम अते उहदा बेटा हसदे पए हन। प्रधान जी तीन तक गिनती गिनदे हन। एक, दो, ते तीन। ओदों ही उत्थे शंकर अते शंभू सरला पूजा अते कुंकुम दे कोल आके रुक जांदे हन। जगत राम अते वरिंदर ए वेख के घबरा जांदे हन। सारे पिंड वाले कहंदे हन, शंकर शंभू आ गए, ए तां कमाल हो गया। सारे चुप कर जाओ, शंकर शंभू आ गए ने, हुण चोर भी छेती ही फड़िया जाऊगा। जे ओ इस पंचायत विच बैठा है तां रब भी ओनू बचा नहीं सकदा। शंकर ते शंभू दोवे दसणगे कि ओना नू कौन चोरी करके ले गया सी। सुभाष अपनी धीआं नू कहंदा है, मेरे प्यारे शंभू, तेनू कौन चोरी करके ले गया सी? शंकर, तू दस कि ओ चोर हुण इत्थे हैगा है। जगत राम अते वरिंदर दोवे घबरा जांदे हन। दोवे बैल जगत राम अते वरिंदर वल वधण लग पैंदे हन। दोवे बैलां नू अपने वल आउंदा वेख के जगत राम अते वरिंदर सुभाष दे पैरां विच डिग पैंदे हन। भरावा, साडे तो बहुत वड्डी गलती हो गई, माफ कर दो। हां चाचा जी, सानू माफ कर दियो। तानू दोवां नू माफी नहीं दित्ती जावेगी ते तुहाडी सजा ए है कि तुहाडे दोवां दा मुंह काला करके ते तुहाडे गले विच छितरां दा हार पा के गधे उत्ते बिठा के पूरे पिंड विच घुमाया जावे। सारिआं नू मंजूर है? हां मंजूर है।
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਤੀਜਾ।